सभी का स्वागत है मेरे स्मार्ट स्टडी हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से आपको दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो क्लास 7th की है और सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और डेट आपकी 5 अगस्त 2021 की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। तो देखिए 3 क्वेश्चंस। जो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। एक आपको एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो आपकी बुक में 3 क्वेश्चन है। तो चलिए तो 3 क्वेश्चन। अब मैच द वर्ड ऑफ द राइट पिक्चर। तो आपका ये हो जाएगा, देखिए आपको तो हमारा देखिए सबसे पहला क्या हो जाएगा, ये देखिए आपको ड्राइंग बनवा लेंगे। तब यहाँ से ये और ये, ओके आपको यहाँ से ये कर ले, ओके। अब देखते हैं, देखते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली। देखो आगे आप ये कर लेंगे, ओके। अब पैसेज पढ़ते हम, ये देखिए, ये देखिए, देखिए रीड द पैसेज केयरफुली करना है, क्वेश्चन आंसर को करना है, सॉल्व करना है। इंड ऑप्शन हम पैसेज को समझते हैं। इंड ऑन्स अ करंट ऑफ द किंड इज ऑलवेज क्यू। मतलब कि इसमें क्या बोला चल रहा है, मतलब कि एक राजा था जो मतलब हमें हमेशा वो जानना चाहता था कि मतलब किसी काम को करने, काम करने के लिए मतलब राइट टाइम क्या होता है। मतलब कि ही फीस काउंट वेयर टू राइट पीपल लिसन एंड सो। मतलब कि ये जानना चाहता था मतलब कि सही लोग जो उनके वो सुन सकें, मतलब कि राय लें सही लोगों। मतलब कि इसमें क्या बोला जा रहा है वो अच्छे से सुन सकिए। समय क्या है दूसरा वो जान कि वो बात सुन सके और किसे वो अवॉइड कर सके। अबव ऑल ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग ही माइट अंडरटेक। कहते हैं कि अगर वो ये सब चीज़ें जान जाएगा तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। अब कुछ भी करने से पहले वो क्या होगा, कभी फेल नहीं होगा। देखो तीन बातें यहाँ पे बताई गई कि एक किंग था जो 3 बातें जानना चाहता था। एक वो ये जानना चाहता था कि किसी भी काम को शुरू करने का राइट टाइम क्या है। सेकंड वो जानना चाहता था कि किन कौन से वो सही लोग हैं जिनकी वो बातें सुने और किन को वो अवॉइड करे। और थर्ड वो बात ये जानना चाहता था कि सबसे इम्पोर्टेंट इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। अगर वो ये 3 बातों को जान जाएगा तो वो कभी भी क्या होगा, फेल नहीं होगा। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम। जैसे उसके मन में ये विचार आया, ही हैड टू प्रोक्लेम थ्रू आउट हिज किंगडम एंड दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनीवन। जैसे उसके मन में ये विचार आया, उसने प्रोक्लेम कर दिया, मतलब अनाउंस कर दिया अपने पूरे किंगडम में कि जो कोई भी उसके उन 3 सवालों का जवाब देगा वो उसे ग्रेट रिवॉर्ड देगा, मतलब बहुत बड़ा इनाम देगा जो भी उसे बताएगा। एनीवन कोई भी हो, हु वुड टीच हिम व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। जो उसे बताएगा कि सही एक्शन क्या है, किसी भी सही टाइम क्या है किसी भी एक्शन को करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए। हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल। कौन सबसे इम्पोर्टेंट पीपल है, कौन जो है सबसे इम्पोर्टेंट या नेसेसरी जो ज़रूरत के लोग हैं। एंड थर्ड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। और वो ये भी जानना चाहता था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इस दुनिया में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है जो कि करी जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू की करने के लिए क्या है। 3 बातें देखो वो ये बार बार जानना चाहता था। एक बार फिर रिपीट करते हैं, देखो क्या चाहता था। एक तो वो चाहता था कि राइट किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को करने के लिए राइट टाइम क्या है। सेकंड वो चाहता था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नेसेसरी जो पीपल हैं वो कौन से, उसके कौन से इम्पोर्टेंट पीपल हैं। एंड थर्ड वो जानना चाहता था किसी भी काम को शुरू करने का वो जानना चाहता था कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। 3 चीज़ें जानना चाहता था। तो अभी हमने पैराग्राफ रीड किया तो हमने इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन द चूजिंग ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि क्वेश्चन नंबर वो जो वांटेड ऑफ द यू राइट टाइम द बिगम। मतलब कि ये कौन जो जैसे जानना चाहता था सही समय, तो क्या हो जाएगा हमारा दमरा भी हमने पढ़ा था तो उसका तो हमारा हो जाएगा द किंग। ओके आंसर हो द किंग। व्हाट वॉज द रिपोर्ट ऑफ आंसरिंग 3 क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला जा रहा है ये देखिए, आप देखिए आज आंसरिंग द 3 क्वेश्चन। मतलब कि जो 3 क्वेश्चन का आंसर देगा उसमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा। सम गोल्ड लैंड ऑफ द बाई किंग नो रिवॉर्ड। इसमें पैराग्राफ में देखते हैं तो पैराग्राफ में हमें नहीं दिया गया, हमें ये बताया कि वो ग्रेट रिवॉर्ड देगा, मतलब कि ग्रेट रिवॉर्ड देगा। ये नहीं बताया इसमें क्या देगा। हम तो क्या लिखते हैं सम गोल्ड। अभी हम सम गोल्ड में उस चैप्टर का वर्कशीट नेक्स्ट में तब बताया जाएगा कि क्या अनाउंस किया था उसने, मतलब कि इसमें क्या हुआ था। ओके अब यहाँ पे द सम गोल्ड लिख सकते हैं आप। अब व्हाट द प्लीज ऑफ मीन्स। मतलब कि हमने किस में हमने जो प्रो क्लेम था वो कैसे वो पैसे आया था, जैसे हम क्या कर क्या बिग अग्नाउंसमेंट एंड असमाउंड बाय द किंग। मतलब कि जो एंड जो किंग के द्वारा की गई थी। ओके अब 3 क्वेश्चन करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द किंग थॉट इफ यू काउंट योर आंसर बाय
समगोलन समगोल्ड कर दिया है। और देखिए नॉट फेल टू एन एनी थिंग, फेल अद फेल, अब इसमें क्या बोले जा रहा है ये तो अभी हमने इसके बारे में समझा कि उसके क्या लगता है अगर तीन बार उसे मिल जाएंगे तो वो क्या वो फेल नहीं होगा, क्योंकि उसमें बोलते हैं कि कभी फिर फेल नहीं होगा, तो मिल जाएंगे तो कभी फेल नहीं होगा। ओके सो नॉट फेल आ एनी थिंग, वो किसी चीज़ में है फेल नहीं होगा। ओके अब ये चार क्वेश्चन हो गया, आगे अब आगे की शीट देखते हैं। व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन एनीथिंग, हम आगे टाइम टाइम व्हाट वाज द राइट इसमें डैश टू लिसन टू डू, उसमें हो जाएगा पर्सन, क्योंकि उसमें पर्सन बोला था आप उसमें टाइम लिख देंगे और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा टाइम। ओके हमारे इसमें आ जाएगा पर्सन, ओके क्योंकि और उसका नेक्स्ट देखते हैं पर्सन। ओके अब लिसन टू डू, व्हाट डू यू मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब कि थिंग टू मतलब कि इम्पोर्टेंट था तो मार जाएगा इम्पोर्टेंट। ओके सर तो हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है, भाई वर्कशीट कंप्लीट करके टीचर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन आपको दिखता है बेल उसको ऑल पर जरूर प्रेस करिए कि आपकी जो हर लेटेस्ट वीडियो होती है वर्कशीट ही आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइज, और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज़।